आपको अगर आपके राउटर के अंदर, जैसे आपने राउटर लिया हुआ है या फिर नेट कनेक्शन लिया हुआ है, और आपको ये पता करना है कि कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, कितनी डिवाइसेज हैं आपके राउटर से कनेक्टेड हैं, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, और उन डिवाइसेज के द्वारा कितना डेटा यूज़ किया जा रहा है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको जैसे लॉगिन कर लेना है, जो भी आपका जैसे टी पी लिंक वाईफाई नेट है, तो टी पी लिंक वाईफाई नेट से मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा टी पी लिंक वाईफाई नेट है, या टी पी लिंक लॉगिन में डाल चला जाता है। टी पी लिंक वाईफाई नेट में यहाँ पर हमें लॉगिन कर लेना है, राउटर लॉगिन, जो भी आपकी लॉगिन आईडी है, जैसे राउटर का क्या है, एक फिक्स एड्रेस होता है, उसके थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कोई से भी एक लॉगिन आईडी है, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, और या फिर अपना पहले लॉगिन किया हुआ है। अगर स्टार्टिंग में अगर आप सेटअप करते हैं, तो एडमिन एडमिन आईडी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। इसमें आपको कहाँ चेक करना है कि आपका डेटा कितने लोगों यूज कर रहे हैं और कितना डेटा आपके राउटर से जा रहा है, तो आपको सिस्टम टूल में जाना है। सिस्टम टूल के अंदर आपको यहाँ पर स्टेटिक्स के अंदर जाना है। स्टेटिक्स में ये अगर आप डिसेबल कर देते हैं, तो ये डेटा आपको दिखाई नहीं देगा कि कौन कौन आपका यूज कर रहा है, कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही आप इनेबल करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इनेबल करके सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इनेबल करके सेव करते हैं, तो यहाँ पर डेटा दिखाई देगा कि कौन कौन ये यूज कर रहा है। जैसे वर्तमान में 10 सेकंड के अंदर ये जो एक आईपी एड्रेस है, यही यूज कर रहा है। अब देखिए 4 लोग यूज कर रहे हैं, आईपी एड्रेस इनका दिया हुआ है 192, ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है और इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, कितने बाइट्स यूज कर रहे हैं, कितने एमबी के अंदर इन्होंने यूज किया है, वो सारा इसमें दिखा रखा है। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये पैक करेंटली और टोटल बताया गया है। टोटल जैसे यहाँ पर देखें 591, यानी कि ये 5 GB के आसपास हो गया है। इसमें ओनली 51 GB यूज किया गया है, क्योंकि तो बाइट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि 1 बाइट्स में 1024 के आसपास होते हैं, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितना डेटा कितना एम गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं टोटल कितने हैं, 5 कनेक्टेड हैं। इसमें टोटल 5 लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा हम एक और है जहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, वो DHCP में जा करके हमें क्या देखना है, क्लाइंट लिस्ट देखनी है। DHCP क्लाइंट लिस्ट यहाँ पर आपको बता देगा कितने लोग इसमें कनेक्टेड हैं। जैसे इसमें टोटल बता रखे हैं 4 लोग कनेक्टेड हैं, तो एक लैपटॉप है, एक रियलमी का MI का मोबाइल है, एक Realme 3 Pro मोबाइल है, एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो ये 4 यहाँ पर कनेक्टेड किए गए हैं। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि आप अगर किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, या किसी को चाहते हैं कि वो यूज ना करे, तो आप कैसे उसको सेट कर सकते हैं कि वो बंदा है आपके राउटर का जो डेटा है उसका यूज ना करे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी बिना परमिशन के अगर कोई यूज करता है आपका डेटा, तो उसको कैसे ब्लॉक करना है। तो आपको DHCP क्लाइंट लिस्ट आप देख लेंगे, इसमें आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप में चाहते हैं उसको आप कॉपी कर लीजिए। तो उस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ से Realme 3 Pro है, इसको मुझे हटाना है, या Realme 5i है, इसको हटाना है। तो इस डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल सी ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको जाना है वायरलेस में, वायरलेस में गए, वायरलेस में जाने के बाद आपको जाना है वायरलेस MAC फिल्टर। वायरलेस MAC फिल्टर में
आपको यहाँ पर वायरलेस एमवीसी फिल्टरिंग डिसेबल है, इसको आपको इनेबल करना है। जैसे ही आप इसको इनेबल कर देते हैं, इनेबल करने के बाद में आपको ये बताएगा कि आप कौन कौन सी को डिनाई करना चाहते हैं। तो जो जो इनेबल लिस्ट में आप डिनाई करेंगे वो भी इसमें डिटेल अपनी डाल सकते हैं कि जो एड्रेस आपने कॉपी किया था उसको आप डाल सकते हैं एड न्यू में और फिर उसको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे इनेबल कर दिया है इसको, एमएसी एड्रेस है ये एड न्यू कर दीजिए, एमएसी एड्रेस यहाँ पर आप कॉपी कर दीजिए, जो भी डेटा आपने लिया है डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए किसको कौन है ये। तो जैसे दोस्त डाल दीजिए, दोस्त है तो पड़ोसी है तो पड़ोसी डाल दीजिए, दोस्त कर दिया और तो फिर इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में ये आपका डेटा है वो यूज नहीं कर पाएगा और ये डिसेबल इनेबल हो जाएगा और ये आपका डेटा है यूज नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर आप और अपडेट करना चाहते हैं तो ये एड्रेस लीजिए, यहाँ से आपको एड्रेस लेना है किसमें से, डीएसईपी में से। आपको क्लाइंट लिस्ट में जाना है, क्लाइंट लिस्ट में से जैसे आप 3 लोग यूज़ कर रहे हैं रियलमी 3 प्रो का, अगर आपको हटाना है तो ये एड्रेस आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, वायरलेस में जाना है, वायरलेस में वायरलेस एमएससी फिल्टर, एमएससी फिल्टर में आपको एड न्यू कर दीजिए, एड न्यू में फिर एड्रेस डाल दीजिए यानी जो आपने एड्रेस कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दीजिए, फिर दोस्त 1 2 जो भी डालना डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। तो ये भी आपसे 2 आपने ब्लॉक कर दिए, तो अब यहाँ पर लिस्ट में कितने आएंगे, सिर्फ 2 लोगों का नाम आएगा, DSCP क्लाइंट लिस्ट में सिर्फ 2 लोग ही यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले लैंड पोर्ट से वायर निकाल करके कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेंगे हम और फिर आएंगे जाएंगे हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। सेटिंग में जाना है हमने कंट्रोल पैनल में, तो ये इसमें आप जाइए, इसमें आपको जाना है, ये देखना है कि क्या है कंट्रोल पैनल के अंदर। आपको चेंज एडेप्टर सेटिंग यानी ऑल कंट्रोल पैनल के अंदर नेटवर्क एंड जो अपना है इंटरनेट वाला ये आपको सेट करना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले सेटिंग आ जाएगी आपकी। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज एडेप्टर सेटिंग यहाँ पर ऑप्शन आएगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी आ रहा है, एप्रेंस आ रहा है, कनेक्टेड टू नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आपने क्लिक किया तो इसमें हम देख लेते हैं चेंज एडेप्टर सेटिंग। अब इसमें आपको दिखा देगा कहाँ से कौन से कनेक्टेड है, वाईफाई 2 में ये कनेक्टेड है, K11TR मीणा के नाम से मिला हुआ है। अब यहाँ पर जैसे इथरनेट वाला है, इथरनेट वाले में जैसे आपको कनेक्ट करना है तो कैसे इथरनेट में कनेक्ट करेंगे आप, इसमें आपको राइट क्लिक करना है और
स्टेटस पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो फिर कनेक्शन होगा आपका। तो फिर एड्रेस मिल जाएगा आपको कंप्यूटर से आईपी एड्रेस, और उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा इंटरफेस मिल जाएगा तो हम इसको खोल लेंगे, और ये हमारा इंटरफेस होगा, जो भी राउटर का इंटरफेस है वो हमारा ये होगा राउटर का इंटरफेस। इसमें आपको अपना जो आईडी पासवर्ड है डाल करके नया लिंक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो भी आईडी पासवर्ड डाल करके आ सकते हैं। अब इसमें वायरलेस है, ये राउटर इनेबल बता रहा है, आपका आईपी एड्रेस भी दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे स्टार्टिंग में तो एडमिन एडमिन आपने डाल देना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एडमिन एडमिन ही यहाँ पर आईडी पासवर्ड होता है, और उसके बाद में आपको चेक करना है वायरलेस। ये ऑप्शन होते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको देखना है सेटअप में क्या है। क्विक सेटअप में सारी चीज़ें नॉर्मल बताई जाती हैं, और क्विक सेटअप में आपको करना है नेस्ट नेस्ट करके खुद कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। जैसे नेस्ट नेस्ट वायरलेस राउटर, ये राउटर के बारे में पूछेगा तो आप वायरलेस राउटर मिलेगा, क्योंकि तो रूम के लिए या फिर आप ऑफिस के लिए यूज करते हैं तो वायरलेस राउटर में आपको नेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आपको सेलेक्ट करना है। ऑटो डिटेक्ट है, दूसरा डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी, चौथा है और L2TP है। तो इसमें इंडिया में आपको यूज में डायनेमिक यूज करते हैं और PPPoE, ये दोनों इंडिया में यूज करते हैं हम। तो डायनेमिक आईपी या फिर PPPo कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप डायनेमिक आईपी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो डायनेमिक आईपी भी कर सकते हैं हम, डायनेमिक। नेटवर्क में जाना है मैनुअल करने के लिए का वैन में, आप यहाँ पर PPP यूजर नेम देगा, पासवर्ड देगा, यूजर नेम देगा आपको और पासवर्ड देगा, और इसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड, कनेक्टिविटी, मैक्सिमम आइडल टाइम क्या है, और कनेक्शन का मोड क्या है, डिमांड पर या मैनुअली ऑटो करना है, आप ऑथेंटिक टाइप है वो, जैसे PPPoE यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लिया है आपने, डिटेक्ट कर सकते हैं कनेक्शन का टाइप क्या है। तो लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप में चलाना है तो आपको डायनेमिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको राउटर की सेटिंग करनी है तो PPoE में आपको सेलेक्ट करना है। स्टैटिक आईपी में आपका अलग रूल होगा, अगर आपको स्टैटिक आईपी यूज करते हैं तो उसमें आईपी एड्रेस आपको दिया जाएगा, आईपी एड्रेस आपको अलग से दिया जाएगा। अगर आप क्या यूज करते हैं, स्टैटिक आईपी यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा दिया जाएगा। और
पासवर्ड होगा और हम अपने पास में जो भी यहाँ पर एडवांस में सर्विस नेम मिलेगा हमें, सर्विस नेम जैसे यूनिनेट डाल दिया है और एमटीयू सेटिंग के अकॉर्डिंग, तो यूजर नेम और पासवर्ड केवल ऑपरेटर देगा, वही हम डाल करके और इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे हमने आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल दिए हैं, जो भी अपना आईडी पासवर्ड होगा तो उसके बाद में हमें क्या करना है, सेव कर लेना है और सेव कर लेना है। उसके बाद में ऑथेंटिक टाइप ऑटो कनेक्ट रखना आपको, स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हैं कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ पर इनेबल बता दिया राउटर में और यहाँ पर आईपी एड्रेस मिल गया है, एड्रेस मिल गया है, आईपी एड्रेस ही मिल चुका है। ये आईपी एड्रेस है, ये वाला है आईपी एड्रेस, तो इसके थ्रू आप आगे ब्राउजिंग कर सकते हैं 172.168। तो इसको कॉपी करके ब्राउजिंग में डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ब्राउजिंग डाल देते हैं इसको कंट्रोल एडमिन एडमिन के थ्रू।